आपका स्वागत है, मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सुरेन सिंह परमार की यह खबर। कलयुग में भी सत्युगी बेटे नजर आए, मां की सेवा के लिए दोनों बेटों ने जताया अपना अपना हक। टीकमगढ़ कोतवाली थाने में सुलझा मामला। औलाद को अच्छे संस्कार और शिक्षा से यदि जोड़ा जाए तो कलयुग में भी सत्युग प्रतीत होता है। आजकल माता पिता की सेवा को औलाद एक तरफ अभिशाप मानती है, तो वही आज भी कुछ औलादें इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ में सामने आया, जहां दो बेटे माँ की सेवा करने के लिए अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। जब यह मामला घर पर नहीं सुलझा तो संवेदनशील भाव से पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ में हल कराया गया। बुजुर्ग मां मुन्नी चतुर्वेदी उम्र 90 वर्ष अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चतुर्वेदी निवासी नया बस स्टैंड के पास रहती थी। काफी समय बीत जाने के बाद छोटे बेटे रमेश प्रसाद चतुर्वेदी निवासी हीरापुर थाना कुडला उन्हें अपने साथ रखना चाह रहा था, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि उनका बड़ा भाई उन्हें उनकी माँ से नहीं मिलने दे रहा है, जिसकी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां टीआई वीरेंद्र सिंह पवार द्वारा मामले को संवेदनशील भाव से हल कराया गया। इस विषम परिस्थिति में कुछ समय के लिए बुजुर्ग माँ भी धर्म संकट में फंस गई और अंत में छोटे बेटे के साथ माँ को रहने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह परमार। आपको बताना चाहेंगे कि हीरापुर तरजी कस्बा है, वहाँ के रहने वाले ओम प्रकाश चतुर्वेदी और हरिओम चतुर्वेदी जो भाई हैं सगे, इनका अपनी माता जी इनका नाम है मुन्नी देवी को अपने पास में रखने के लेकर पारिवारिक मनमुटाव था, विवाद चल रहा था। बड़ा बेटा कहता था कि माता जी हमारे पास रहेंगी, छोटा बच्चा घर बेटा कहता था कि माता जी हमारे पास रहेंगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष मतलब कि बीच में पारिवारिक इतना कलह हो गया कि ये कलह उनके बच्चों तक पहुँच गया था। इस संबंध में एक पक्ष ने हमारे पास थाने में आकर इस चीज़ की सूचना दी, तो मानवता को देखते हुए कि माता जी क्योंकि 80 साल की हैं, चलने फिरने में असमर्थ थी, तो ऑटो से इनको थाने पर बुलवाया गया। थाने पर बुलवा के माता जी के समक्ष दोनों बेटों और उनकी दो नातें हैं लड़कियाँ थी, उनको भी बुलवा के दोनों पक्षों को सुना गया। उनकी माता जी का कहना था कि हम अपने जो यहाँ का रहने वाले बेटे हैं उनके साथ में अपने घर जाएंगे, छोटा बेटा क्योंकि आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हुई है, तो अब इनके आपस में समझौता हो गया, दोनों पक्षों ने लिख के दिया है कि माता जी स्वेच्छा से जहाँ पर भी रहना चाहेंगी वहाँ रहेंगी, कभी अपने छोटे बेटे के पास घर चली गई और एक अच्छी पहले समाज के लिए।